ओके, गुड इवनिंग। अच्छा, मैं ऑडिबल नहीं हूँ ना? एक मिनट, ऑडिबल हूँ ना मैं अभी? तो ठीक है, ठीक है। जिन लोगों का डाउट है ग्रुप में पोस्ट करो, हम सॉल्व करते हैं। तो ये मनीष ने कुछ भेजा है ना, और कौन लोग हैं? ठीक है, ये हमने क्लास में पहले भी डिस्कस किया है ये क्वेश्चन। तुम रेगुलर नहीं हो इसलिए पता नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आई थिंक कोई मिस्टेक था, इसका आंसर कुछ और आ रहा था। तो ये कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना रहा है, तो उसको प्रोडक्ट करो। ये हमने पहले भी सॉल्व किया है ये क्वेश्चन, ये डाउट क्लास में ही। X1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई? इसमें ये X1 का MGF है, तो X1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ये किस रैंडम वेरिएबल का ये MGF होता है? एक्सपोनेंशियल का MGF क्या होता है, जरा कोई बोल के बताना। ये किस रैंडम वेरिएबल का MGF है? e की पावर -t। जिनको डाउट तो चंदन तुम्हें बताओ भाई, ये और भी जो लोग हैं, ये किस रैंडम वेरिएबल का एमजीएफ है? ये हाँ, डीजेनरेट, मतलब चूंकि तुम वैसे नॉर्मल से भी सोच सकते हो कि e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यहाँ पे म्यू 1 है और सिग्मा स्क्वायर 0 है, तो जो ही सिग्मा स्क्वायर 0 हुआ वो नॉर्मल डीजेनरेट बन जाएगा। तो मतलब डीजेनरेट है मतलब, तो ये तुम्हारा डीजेनरेट है आपका किस पे? -1 पे, है ना? मतलब क्या होगा यहाँ पे अगर तुम ब्रेक करोगे तो? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू -1, तो इसका ये मतलब हो गया कि X1 डीजेनरेट है, ठीक है ना? डीजेनरेट एट -1, मतलब प्रोबेबिलिटी X1 इज इक्वल टू -1, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। अब तुम चाहो तो इस PMF से MGF निकाल के देखो, आपका आंसर क्या होगा? यही आएगा ना। क्या होता है MGF? एक्सपेक्टेशन e की पावर TX, है ना, उस तरीके से। ठीक है जी, देख लो। तो ये तो हो गया X1 का। अब X2 के बारे में सोचो, क्या ये कोई स्टैंडर्ड है? कोई बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन? ये X2 का MGF अगर बोलूं मैं, तो X2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कौन सा, क्या है ये? एक्सपोनेंशियल का दिख रहा है, पॉइजन में क्या होता है? पॉइजन का याद करो, पॉइजन का होता क्या है? हाँ, यहाँ तो टूटी है। तो इसका मतलब ये है कि लाइक जैसे ये जो एम जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एम ऑफ टू टाइम फॉर एग्जांपल वाई टी फाइंड करोगे, तो ये तुम्हारा आएगा एम ऑफ वाई 2t। चेक करो वेरीफाई करके, एक्सपेक्टेशन 2ty, तो t की जगह 2t रख दो, तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये जो अभी हमारे पास है ये कुछ ऐसा है, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ, चलो 2x2 बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या x2 भी ओके है। तो कहने का क्या मतलब है कि एक्सपेक्टेशन जो 2 है ना तुम्हारे पास,
ये जो होगा उसके जगह 2 आया हुआ है ना, तो यहाँ x2 का डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या होगा, चेक करो ध्यान से। देखो अभी मैं क्या लिखा हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ, या तो मैं तुम्हें ऐसा समझाऊं कि ठीक है x2 ही तुम लेके चलो कि ये x2 ही है। तो एक्चुअली x2 का जो MGF है ना, MGF ऑफ x2 जो है, अभी x2 को ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाएगा, तो यहां से क्या है कि आपके पास हो गया e की पावर थीटा e की पावर 2t माइनस 1। ये t के जगह 2t दे काम करते हैं, m y मान लो एंड एट 2t बोल देते हैं, ये फंक्शन है। तो अब y का तुम इजीली बता सकते हो, देखो मैं इसको लिख रहा हूं दिस, सो व्हाट इज द m y एट t, सो m mgf ऑफ y एट 2t, तो ये हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया। So, MGF of y at t कितना आएगा, ये कितना आंसर आएगा इसका, इसको क्या लिखूं, ठीक है। अब y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, poison। तो अब y तुम्हारे पास पॉइजन हो गया, पॉइजन विथ पैरामीटर थीटा। तो अब यहां से देख लो x2 में और y में क्या रिलेशन है, x2 में और y में क्या रिलेशन है रैंडम वेरिएबल में, इसके हिसाब से देखो, नहीं नहीं x2 इज इक्वल टू 2y, तो ठीक है ना, इसके प्लेस पे ही तुम्हारा x2 है ना, यहाँ जो 2y है वो तुम्हारा x2 है एक्चुअली, ये तो वही लिखा है मैंने, तो 2y के प्लेस पे x2 है, तो x2 is 2y। तो अब देख लो तुम्हारे पास y का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन थीटा है, तो y की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, जो y है उसकी पॉसिबल वैल्यू होगी 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, और तुम्हारा 2y है जो x2 है, सो 2y है वही x2 है, और x2 की वैल्यू कितनी है, इसका डबल कर लो क्या सपोर्ट आ जाएगा 0 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, तो ये x2 का सपोर्ट आ गया। x1 के पास एक ही पॉसिबल वैल्यू है, तो x1 के सपोर्ट में सिर्फ माइनस 1 है, और x2 के सपोर्ट में ये सब है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ये जो मैं x पे आता हूँ, अब देखो तो x पे आऊंगा तो यहां से क्या रिलेशन मिला मुझे, अब x में और x1 x2 में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन के हिसाब से व्हाट इज रिलेशन बिटवीन x एंड x1 x2, x = x1 + x2, हां तो यहां से आ गया x is equal to x1 plus x2, ओके है। तो देख लो तुमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी x is 0, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x1 plus x2 is 0। अब ये सोचो x1 के पास 0 की, हां तो x2 को 1 होना पड़ेगा, ठीक, तो 1 है ही नहीं x2 तो, हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया, और यहां से पता ये भी चला कि x1 and x2 are independent, तो x1 and x2 are independent, तो इसको ब्रेक कर दूंगा मैं कि x1 is equal to minus 1 and x2 is equal to 1, और x2 तो 1 हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि x2 की पॉसिबल वैल्यू ये है सपोर्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 हो गया, और ये जो भी आ जाए तो 1 into 0 आंसर 0 है, ठीक है, गलत दे रखा है। तो जिसने थोड़े बहुत दिमाग लगाए क्वेश्चन बनाने में, वो एक्चुअली जहां पे है ना x2 है वहां पे एक्चुअली वो होगा, मतलब एक वो दिमाग ऐसे लगाया कि x2 पॉइजन होगा इस टाइप से, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मनीष जो भेजा उस पे आते हो, तो अब किसका रह गया क्वेश्चन, तो जिनके क्वेश्चन रह गए उनके देख लेते हैं। चलो मनीष ने क्या भेजा था कि देखो
ये आपका क्वेश्चन है ए टू एन दे रखा है, मतलब ए टू एन माइनस वन, इसकी वैल्यू है 9 की पावर एन माइनस वन अपॉन 16 की पावर एन माइनस वन, ठीक। और ये ए टू एन माइनस वन है, ए टू एन जो है आपका, ठीक है, सो ए टू एन जो है 9 की पावर एन माइनस वन अपॉन 16 की पावर एन है, राइट, है ना। इसमें एन क्या है, इन दोनों में एन नेचुरल नंबर है। तो पूछ रहा है कि टेस्ट वेदर दिस इज कन्वर्जेंट और नॉट, तो मुझे ये बताओ मेरे भाई कि अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मुझे क्या पूछा गया है, सीरीज ए एन एन फ्रॉम वन टू इंफिनिटी, ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, है ना। सो दिस सीरीज, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, उसको खोलोगे तो क्या होगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर इनफिनाइट तक। तो एक काम करो, ऑड वाले को एक साथ रख लो, सो ए वन ए थ्री ए फाइव, इस ऑड वाले को एक साथ रख लो, इवन वाले को एक साथ रख लो, ठीक। तो क्या होगा आपके पास, तो यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए वन ए थ्री ना, ठीक है ना। तो क्या कह रहा हूं मैं, ऑड वालों को एक साथ रख लो, सॉरी प्रोबेबिलिटी, सॉरी एक तो मेरे दिमाग में ना प्रोबेबिलिटी आ गया, प्रोबेबिलिटी मतलब समेशन, ऑड टर्म्स को समेशन करना है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, समेशन ए टू एन माइनस वन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ये क्या लिख दिया मैंने, सारे ऑड टर्म को एक साथ लिख दिया, एंड प्लस ए टू एन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, यहां क्या किया मैंने, जितने इवन टर्म्स है ए टू ए फोर ए सिक्स सब इसमें आ गया, ए वन ए थ्री ए फाइव सब इसमें आ गया। अब तुमसे मैं यहां अगर पूछूं कि ये बताओ कि ये जो सीरीज है दिस ए टू एन माइनस वन जो यहां पे है, ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, क्वेश्चन ये है मेरा। सो दिस इज इक्वल टू 9/16 की पावर एन माइनस वन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ऊपर वाली ये सीरीज है, किसका डाउट, मनीष है क्लास में, मनीष किसका डाउट है, क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है, बताइए ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, ज्योमेट्रिक में क्या होती है, आर की पावर एन है, सो सीरीज आर की पावर एन विल बी कन्वर्जेंट इफ मॉड आर इज लेस देन इक्वल टू वन, सॉरी स्ट्रिक्टली लेस देन वन, मॉड आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन वन, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, फॉर्मूला लगा लो ए अपॉन वन माइनस आर, सम फाइनाइट आ जाएगा क्योंकि r केवल लेस देन 1 है, तो ये कन्वर्जेंट है। और सिमिलरली इसकी बात करोगे तो क्या होगी, a 2n की बात करो, तो एक काम करो 16 को बाहर कर लो बस इसमें, तो ये भी तो वही बन गया, ये क्या है, कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ये भी कन्वर्जेंट है, तो सीरीज के कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब है कि फाइनाइट आएगा, तो इसका सम भी फाइनाइट है, इसका सम भी फाइनाइट है, दोनों मिलके क्या होगा, ठीक है, तो कन्वर्जेंट है, मतलब दो सब सीक्वेंसेस दिए हैं तो सीरीज करेस्पॉन्डिंग टू दिस सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्जेंट, क्योंकि ये भी ज्योमेट्री बनाएगा, सीरीज करेस्पॉन्डिंग दिस आल्सो कन्वर्जेंट, ये भी ज्योमेट्री बना रहा है, तो मतलब सब सीक्वेंसेस है ना के करेस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट है, तो ये भी सम ही है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस दिस दिस, तो ऐसे वॉल्यूम तो मैंने अभी पढ़ाई रही है, मतलब उसमें पढ़ा दिया है बैच वन में, ठीक है। देखो तो ये कह रहा वॉल्यूम बताओ, तो जैसे आप लोग जानते हो कि लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला है, वैसे ही वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना। तो ये जो वॉल्यूम पूछा है बाउंडेड बाय प्लेन्स, ठीक है, तो ऐसे तो वॉल्यूम सिंपली तुम ये लिख लो dz dy dx, ठीक। अब देखो एक दिया हुआ है z is equal to 0 और दूसरे वाला जो इक्वेशन है वहां से z निकाल लो, तो क्या होगी, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से होगा, मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वैसा होगा, 0 0 0 है ना ओरिजिन है, तो z x 0 y 0 z 0, तो x 0 y 0 x 0 क्या है, मतलब x 0 है मतलब y z प्लेन, y0 मतलब xz प्लेन, z0 मतलब xy प्लेन, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और फिर ऊपर से एक वो दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो जो इक्वेशन दे रखी है ना उससे जेड की वैल्यू निकालो कितनी आएगी सिंप्लीफाई करके, तो जेड की लिमिट तुम ले लो 0 से 1 by 3 कितना आएगा 12 माइनस 6x माइनस 4y। तो अभी हमने जेड की लिमिट ले लिया, तो वो जो हमारे पास दे रखा है ना जेड की लिमिट, तो जेड जो आपका है मतलब ये ठीक है ना, तो जेड की वैल्यू जो होगी 0 से लेके हमारे पास ये है मतलब मैंने अभी लिखा ना 1 by 3 जैसे इस तरीके से, इसमें अब जेड को हटा दो मतलब मैं क्या कर रहा हूं उसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं एक्स वाई प्लेन पे, तुम जेड को हटा दो तो इक्वेशन मतलब जेड को 0 रख दो क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ये जो प्लेन आपको दे रखा है ना 6x + 4y + 3z = 12। अच्छा इसका डायरेक्ट फार्मूला भी तो है, अच्छा दूसरा तरीका ट्राई करते हैं, पहले इससे करते हैं फिर दूसरा तरीका भी है। ओके तो अभी क्या करते हैं, तो ये जो प्लेन है इसका प्रोजेक्शन लो एक्स वाई प्लेन में, तो जेड को 0 रख दो, क्या बन जाएगी जेड को 0 रखोगे तो 6x + 4y = 12। तो अब y के लिमिट लिखो 0 से लेके वहां से निकालो y की वैल्यू x के टर्म में कितनी आएगी 12 - 6x / 4 सो 1/4 12 - 6x। अब फिर उसका प्रोजेक्शन लो x एक्सिस पे, y को 0 रख दो, तो y को 0 रखोगे तो क्या बचेगा एक्स वाई दोनों 0 रख दो, तो उसमें एक कर्व क्या 6x = 12 तो x = 2 तो x की वैल्यू 0 से 2। बताओ भाई जिनका डाउट था उनको समझ आया या पूछो क्वेश्चन पूछो अगर कहीं दिक्कत है तो, ये क्या किया मैंने समझ में आ गया ऐसे आ गया ग्राफ से इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। हां ग्राफ से भी आ जाएगा, देखो तुम ये बताओ तुमने एक लाइन पढ़ा होगा ये x इंटरसेप्ट है ये y इंटरसेप्ट है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना है मैं ये बोल रहा हूं कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंड, ये पता है कौन सी लाइन है ये x upon a plus y upon b is equal to 1, ये इसको ऐसा लिखूं bx plus ay is equal to ab, ये है तो इस रीजन का एरिया क्या है आई मीन छोड़ो मैं हाँ हाफ ab ओके, मैं बताना ही चाह रहा हूं कि मुझे बोलता फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x बराबर 0 y बराबर 0 एंड दिस लाइन, तो मैं निकाल पाता, सेम स्टोरी यहां है, तो यहां पे क्या हो रहा है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तुम्हें पता है वो फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ प्लेन, जैसे इसमें x इंटरसेप्ट a है y इंटरसेप्ट b है, इस लाइन की इक्वेशन कितनी है x upon a plus y upon b बराबर 1, मुझे बताओ कोई प्लेन है अ प्लेन हूज इंटरसेप्ट्स आर a b c, तो इक्वेशन क्या होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन इज मतलब ए बी सी का मतलब है स्मॉल ए इज द एक्स इंटरसेप्ट स्मॉल बी इज द वाई इंटरसेप्ट एंड स्मॉल सी इज द जेड इंटरसेप्ट, तो ये बताओ मुझे उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन हैविंग इंटरसेप्ट ए बी सी, कोई ट्राई करो, हिंट यहां पे है ये लाइन की इक्वेशन कैसे लिखा है मैंने, बताओ भाई कैसे आंसर आएगा। हाँ जी मनीष जो भी बताओ जिसका डाउट है, अरे उल्लू x upon a plus y upon b plus z upon c, हिट दे तो रहा हूं, जब x इंटरसेप्ट a है y इंटरसेप्ट b है, जैसे लाइन की इक्वेशन है x by a plus y by b बराबर 1, तो ये प्लेन है ना, तो x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1, ये उस प्लेन की इक्वेशन है जिसके इंटरसेप्ट वो है, मतलब अगर थोड़ा ग्राफ बनाना थोड़ा यहाँ डिफिकल्ट रहता है, मैं ट्राई करता हूँ एक मिनट, तो अगर मैं ट्राई करूँ जैसे कोई प्लेन है ऐसा समझो, चलो ठीक है, तो ये a डिस्टेंस है ये b है और ये c है, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, तो ये तुम्हारा एक प्लेन है ठीक है, मतलब ये समझो कि घर के कोने पे एक ग्लास रखा हुआ है कोई है ना, मतलब या कुछ ऐसा है, तो इसका एक एक्सिस पे डिस्टेंस a कट कर रही है, दूसरे पे b कर रही है, तीसरे पे c कट कर रही है, इस तरह से, तो ये हमारे पास है, तो इसकी इक्वेशन ये होती है, तो क्या इस फॉर्म में तुम लिख सकते हो उसको, तुम्हारा जो इक्वेशन है वहां पे क्या उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम,
बताओ इस फॉर्म में लिख के बताओ। क्या ही क्वेश्चन है? 6x plus 4y plus 312, right side है 1 बनाओ, तो right side है 1 बनाने के लिए क्या होगा बताओ, equation क्या आएगी इस form में बताओ मुझे। So what is your equation? अरे क्या आएगा, तुम लोग doubt पूछते देखते तो रहो, मैं पूछ रहा हूँ, तुम calculation कर रहे हो ना कि सोए हुए हो बेड पे, मैं पूछ रहा हूँ इसको इस form में convert करके बताओ क्या आएगा, जिसका doubt है specially वो, इस form में convert कर पाओगे, उस plane को convert करके बताओ इस form में क्या आएगी। तो क्वेश्चन भेज दिया सर, आप करते रहो, मुझे कुछ करना ही नहीं, पेन पेपर लेके बैठो उसको सॉल्व करो, जो मैं बोल रहा हूँ सॉल्व करो, और नहीं हो रहा तो बताओ, जो प्लेन दे रखा है क्वेश्चन में उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, बताओ क्या आ रहा है कन्वर्ट होके, राइट साइड में 1 बनाओ उसको। अरे कहाँ सोए हुए तुम लोग भाई, तुम पहले क्लास 12th में ये टॉपिक है प्लेन इक्वेशन, जाके वहां पढ़ो, अगर 12th से उस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगी, x upon 6 कैसे बन गई पूरी इक्वेशन, तुम्हें राइट साइड में 1 बनाना है, पूरे इक्वेशन को 12 से डिवाइड करो, तुम्हें राइट साइड में 1 चाहिए ना, तुम्हारा राइट साइड में क्या है इस क्वेश्चन में 12 है, पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड करो और बताओ क्या बनेगी। हाँ खोए हो भाई, 12 से पूरा इक्वेशन को डिवाइड करो, x upon 2 y upon 3 हाँ z upon 4 equal to 1, ये है ना, तो इसको कैलकुलेशन केयरफुली करो, तो ये आपका प्लेन का इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, अब पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताओ उस प्लेन के अंडर का, तो सेम चीजें हैं, अगर एक तुम्हें ये तो वो हो गया, अब इसको मैं एक्सटेंड कर दूं तो क्या होगा वॉल्यूम उसका, जैसे अगर इस तरह का शेप होता है तो उसका वॉल्यूम तुम क्या लिखते हो, अगर ये ए है ये बी है और ये सी है तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, हाँ ए इंटू बी इंटू सी, लेकिन यहां पे ऐसा है एक्चुअली कि लाइक हर कॉर्नर तुम्हारा एक ट्रायंगल है, मतलब ये ए है ये बी है ये सी है, अब डिसाइड करो तो क्या होता है जब इस तरह शेप होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, कि तुम्हारा इस तरह का है ना कि लो एक ट्रायंगल है बेस में, मतलब बेस में कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके ऊपर तुमने है ना, अब यहाँ पे हमने कुछ से वो किया हुआ है, मतलब कैसे लिखूं मैं, ये तुम्हें समझ आ रहा है कैसा फिगर है कि हाँ पिरामिड जैसा एग्जैक्टली, तो पिरामिड में क्या होता है जैसे कहीं पे किसी वॉल्यूम निकालनी है तो क्या होता है, हाँ तुम अगर वैसे लिखो कि तो इसका वॉल्यूम निकालो इस शेप का, समझ पाई ना, तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि ये एक्स एक्सिस तुम्हारा एक्स पे 2 है, है ना, तुम्हारे पास अभी जो प्लेन है वो कुछ इस तरह से है, अब इसको कुछ वॉल्यूम के फॉर्मूले देखो जो मेंसुरेशन में आते थे लोअर क्लास में, कि ये आपके पास है, सो दिस डिस्टेंस इज तो बेस का एरिया कितना है, बेस इनटू हाइट कर लो, लेकिन बेस इनटू हाइट करो पूरा यूनिफॉर्म आ जाएगा, तो उसको हटाना पड़ेगा तुम्हें जो एक्स्ट्रा है ना, यहाँ बेस इनटू हाइट करो पूरा वो आ जाएगा तुम्हारा, कितना है ये, कहीं हाफ क्यूब है क्या, मतलब उसका हाफ करेंगे ऐसा बनेगा कॉर्नर से काटेंगे तो, उससे देखना पड़ेगा तुम्हें, इसका अलग फॉर्मूला आता है पिरामिड का वॉल्यूम डायरेक्ट फॉर्मूला आता है ना एक, हाँ नहीं ग्रुप में है, देखो ग्रुप में है तो ठीक है ना, तो इसका वॉल्यूम देखो एक फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला देख लो क्या है, उसके हिसाब से आ जाएगा पिरामिड के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा इस शेप का, अच्छा इसमें
हाँ सही बात है, इसका फॉर्मूला एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है, तुम्हें देख लो क्या आएगा, तो वो करना पड़ेगा तुम्हें। इसका हाइट क्या है? अच्छा डिस्टेंस अगर निकालू इस प्लेन से, ओरिजिन से अगर मैं इस प्लेन का डिस्टेंस निकालू कितना आएगा? तो ये ऑफ द बेस इनटू हाइट अगर करेंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन तो पूरा वो नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा क्यूब में तुम लोग क्या करते हो, जो क्यूबॉइड होता है, नहीं क्या होता है, सिलेंडर और फिर एक आता है कोन, कोन में क्या करते हैं, 1/3 हो जाता है ना, तो यहाँ उस तरह की होगा क्या, 1/2 या 1/3 क्या होगा तो देखना पड़ेगा तुम्हें, ये देख लो, तो उससे भी डिसाइड कर सकते हो। समाउ तुम्हें समझ आ रहा है, ये जो फिगर है ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है, तो इस तरह से है। अब इसका तुम्हें वॉल्यूम डिसाइड करना है, तो ऐसे लेंथ में बेसिस पे हाइट करो तो उसका आ जाए, देखना कितना पार्ट है ये, कौन सा वाला पार्ट है, तो तुम अगर सर्च कर लो पिरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला गूगल कर लो मिल जाएगा, तो उसको यूज कर लो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका तुम यूज कर लो, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, अब इसका देख लो क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है इसका, उससे हो जाएगा। चलो शुभम ने जो भेजे हैं वो देखते हैं क्या है, तो उससे पहले कोई नहीं है ना, हाँ तो ये कह रहा है कि x1, x2, x3 आपको दे रखा है ना, ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है, x1, x2, x3 आपको दे रखा है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन दिस। ओके तो रैंडम सैंपल साइज 3 का है जिसका पीएमएफ दे रखा है ना, पीएमएफ है ये, सो पीएमएफ है प्रोबेबिलिटी x = x 1/2θ+1 जब x बिलोंग कर रहा है -θ फिर -θ+1 एक एक बढ़ता जा रहा है कहां तक, थीटा तक, तो -θ से +θ तक सारी वैल्यू है इसमें, लाइक यहां -1 भी है एंड सो ऑन। तो इसमें टोटल कितने पॉइंट्स हैं, इस जो सपोर्ट है इसमें टोटल कितने पॉइंट है, -θ से +θ तक इंक्लूडिंग 0, हाँ 2θ+1, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया डिस्क्रीट पे, तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी है। तो पहले तुम मुझे यहां से ex निकाल के बताओ, व्हाट इज द ex हियर, सर ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सिंपल है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तुम क्या करोगे समेशन, समेशन x इनटू प्रोबेबिलिटी एट x, ये हो जाएगा ना x फ्रॉम -θ से +θ, तो यहां से आपका आ जाएगा कि 1/2θ+1 समेशन कर दोगे थोड़ा, तो ये 1/2θ+1 समेशन x -θ+θ, वो सबको ऐड कर दो, तो जब सारे सपोर्ट में जो भी है सबको ऐड कर दोगे तो 0 हो जाएगी, तो ये टोटल आपका 0 आ जाएगा। ठीक है अब टोटल 0 आ गया एंड ये तो ex हो गया, लेकिन आप आपको क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट बताओ, तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट तब बता पाओगे ना कि ẋ = ex रखते हैं, जो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट निकालते हैं, तो सैंपल मीन = पॉपुलेशन मीन, ये तो 0 हो गया, तो थीटा तो आया ही नहीं, तभी तो थीटा मिलेगा, तो कोई बात नहीं ये यूज नहीं करेंगे, अगला यूज करेंगे, अगला क्या था, तो अगला यूज कर लेते हैं। हाँ तो आप ये कर लीजिए ex² निकाल लीजिए, अब सेम तरीके से ex² निकालो, इसमें थीटा आएगा और इसी के टर्म्स में आंसर आपको 3 ही सैंपल साइज 3 है, तो अब हो जाएगा, कर लोगे ना, तो हाँ जब ऐसा ना हो तो अगला यूज करो, अगला मोमेंट नेक्स्ट जो है नया नवेजा है कि अरे प्रूव दैट वाले थोड़े वैसे होते हैं, ये हालांकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है कि x be the normal random variables mean 0 variance 1 so that, ये हो जाएगा उससे आता है कुछ इसका MGF से इसका प्रूफ तो है मेरे पास, कुछ है ना जो x more than equal to c less than equal to this होगा, x normal है ना MGF के हेल्प से थोड़ा होगा,
दो पार्ट में, इसमें कौन सा बताना है आपको, पहला वाला? अजय नहीं, आप कौन सा बताना है, फर्स्ट? फर्स्ट सर, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला तो मैंने किया, ग्राफ फाइंड कर दी, लेकिन वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ रिलेशनशिप होता है उससे, नहीं नहीं एक्स वाई यूनिफॉर्म 0 1 है तो ग्राफ से भी इजीली आ जाएगा, एरिया है तो निकालना आपको। लेकिन वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड बीटा में वो क्या रिलेशन होता है, वो गूगल पे देखा लेकिन वो समझ नहीं आया। अच्छा यूनिफॉर्म एक्स रेस टू एन कॉल ऑफ बीटा 1/n, ऐसा कुछ था। वो भी कर सकते हैं लेकिन मैं तो यूज नहीं करूंगा यहाँ पे इसलिए मैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो ज्वाइंट 1 हो गया, डबल इंटीग्रेशन और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ उसे तो इजीली याद है। हाँ तो वो इजीली मुझे दिख रहा है कि स्पोर्ट्स, तो वो मैं चेक करता हूँ क्या है ना कि यूनिफॉर्म से बीटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक तो हम ये जानते हैं कि यूनिफॉर्म से काई स्क्वायर हो गया, काई स्क्वायर फिर रेशियो लेके बीटा आ जाएगा है ना, एक वो है गामा का है ना। ओके यहाँ पे तो मुझे देखना पड़ेगा पहले वाले का जो प्रूफ है, तो ठीक है अभी डिस्कशन में तो करेंगे। सो प्रूफ करना थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो मैं इसको पहले ट्राई कर लेता हूँ फिर करूंगा प्रूफ, दैट में ना टाइम लग जाएगा क्योंकि कोई ऐसा नहीं कि प्रूफ आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें ना। तो ये एम जी एफ कहीं ना कहीं हेल्प से होगा, तो आपको राइट साइड में कुछ आइडिया मिल रहा होगा, हाफ है ना ई की पावर है ना सी टी प्लस दिस, तो थोड़ा सा इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें ऐड सबट्रैक्ट करके। एक्स मोर देन इक्वल टू सी है तो, हालांकि ये बुक का ही क्वेश्चन है मतलब ये तो ऑलरेडी आईटी के असाइनमेंट में मिल जाएगा, तो प्रूफ दैट है तो प्रूफ दैट मैं ट्राई करता हूँ एक बारी फिर मुझे, या तो मुझे आप भेज देना रात को एक बारी, सो मैं चेक करें कल फिर 6 to 7 मिनट प्रूफ करा दूंगा ये। बाकी नेक्स्ट है ना, सो नेक्स्ट जो है जैसे कर दिया, अब किसी का डाउट रहा है तो अब किसका बच गया, क्रिस प्रिया, ओके सो हो गया ना। हाँ ये कौन विच क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन देखो कृष्ण प्रिया ने एक डाउट पूछा तो ट्राई करते हैं। सो कह रहा है ये 23 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि लाइक x1 x2 डॉट 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 बी ए सीक्वेंस ऑफ आईआईटी रैंडम वेरिएबल विथ पीएमएफ दे रखा है आपको, तो x1 x2 इस तरह से ये आईआईटी है जहां पीएमएफ है, ये x1 मतलब कोई एक रैंडम वेरिएबल है पॉपुलेशन का, सो मतलब रैंडम सैंपल का एक है, तो x इज इक्वल टू 0 इस पे मास है हाफ सॉरी 0 पे हाँ, और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 पे भी मास है हाफ, तो मतलब जो पॉपुलेशन है उसके सपोर्ट में 2 पॉइंट है 0 एंड 2। पूछ क्या रहा है ये, सपोज फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, अब आपको ये बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल जेड मोर देन इक्वल टू माइनस 0.1 to 0.1, ठीक, ये जो वैल्यू है ये बता रखा है कि 0.08 है, ठीक, सो ये जो वैल्यू है 0.08 है, तो आपसे और एसएन आपको दे रखा है समेशन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to 2n, प्रोबेबिलिटी दैट एसएन इज मोर देन 2n, ओके सो व्हाट यू कैन डू, पहले तो यहां से आप मुझे ईच एक्स का, तो x1 के बजाय यू मे राइट इट एक्स, एक्स इज पॉपुलेशन, तो ई ऑफ एक्स क्या आएगा यहां पे जरा बताओ मुझे आप लोग, सो एक्स या तो 0 है या 2 है, एक्स या तो 0 है या एक्स 2 है ना, तो इसका मीन कितना आएगा भाई, सो मीन यहां से आ गया 1, और वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, ओके तो ई एक्स स्क्वायर अगर मैं चेक करूंगा तो आएगा 4 × 1/2 2 − 1, चेक करो वेरिएंस ठीक से कितना होगा, ई एक्स स्क्वायर आई थिंक आप बता रहे 2 राइट, ex square 2 होगा, चेक करो, हाँ वेरियंस इज व्हाट, वेरियंस 1 आएगा, हाँ 1 आएगा राइट, हाँ ठीक है ना, सो ex इज 1, ex square इज 2 square into 1/2, सो दैट इज है ना, ओके 2, देन वेरियंस इज ex square minus ex का होल स्क्वायर दैट इज 1, ओके सो नाउ
So what we can do, just Sn minus its mean. So now we have to decide the mean of Sn. So what is mean of Sn? So mean of Sn, you just apply summation. There are 2n random variables. Each xi has mean 1. So this will give you 2n. Okay, that's work. I think that is fine. So we don't need to find the variance. Huh? So Sn minus mean is 2n. That more than 2n minus 2n, right? So z is not required actually. That information is not required. कुछ तो wrong है इसमें ना? मतलब like okay. तो यहाँ से क्या होगा? They are asking us to find the limit, है ना? So they are asking us to find limit n tends to infinity. So limit n tends to infinity they are asking. तो कितना हो जाएगा? ये तो मान लो तुम variance से divide भी कर दो, कोई problem नहीं. If you find the variance, no problem. So variance of Sn will be what? कितना आएगा? एक का वेरिएंस 1 है तो ये भी 2n ही आ जाएगा. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना. तो लाइक मैं क्या कर रहा हूं, स्टैंडर्ड नॉर्मल. सो आई एम कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल. सो स्टैंडर्ड नॉर्मल दिस इज ओके. सो नाउ द दिस लिमिट विल चेंज दिस इनटू द कैपिटल z मोर देन 0. सो दिस इज 1 माइनस pi 0. आई थिंक हाफ शुड बी द आंसर. तो इसमें मिस्टेक होगा कुछ, राइट? बिकॉज समवेयर मिस्टेक कुछ होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए ना. दिस इज सिंपल, दिस इज जस्ट हाफ. 50 इज हाफ. सो मिस्टेक कहां पे हो सकता है? हाँ, सर, एक्चुअली आई ट्राइड टू डू बाय टेकिंग Sn by n greater than 2, देन आई फाइंड द एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ Sn by n. मे बी देयर आर सम Okay, okay. No, no, question is also something wrong. So in the question answer should be okay. Answer is half. I think half is the answer there. C option is there. It's okay. So the data they gave, this is not required. So we don't have to use that. At least we got Z more than zero. So one minus Z less than equal to zero. This is five zero, five zero is half. So one minus half is half. So half is the answer. Just okay. This type of questions, ha na, has been asked in JAM and GATE exam already. हरिओम ने भेजा है, देखो. So ये जो 39 नंबर क्वेश्चन है, so that 39 is क्या कह रहा है, x1 x2 xn be a random sample of size n from distribution exponential theta. The exponential इसका mean theta है यहाँ पे, so mean theta है. So t summation xi है. So x1 x2 xn जो है they are iid exponential theta. ना मीन एक्चुअली यहां का ये है. सो द मीन इज 1 बाई थीटा e की पावर माइनस x बाई थीटा x मोर देन 0. ओके, सो t आपको दे रखा है यहां पे. हाँ, अच्छा, ये अभी तो कौन ही, एक्चुअली मैं आता हूं ना, नीचे लाइट बोर्ड आता है. हाँ ठीक है. तो समेशन xi i फ्रॉम 1 टू n, ठीक है. एंड क्या पूछा आप? तो आपसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स गिवन टी, दिस इज इक्वल टू. सो सी, ऑप्शंस आर इन टर्म्स ऑफ टी ओनली. अब ध्यान दो, तो यहां से मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी, पहले ये बताओ टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. हाँ, सो ये गामा एन कॉमा थीटा हो जाएगी, ठीक. सो दिस इज गामा एन कॉमा थीटा. सो व्हाट इफ, मान लो ये मुझे चाहिए, दिस तो ऑब्वियसली यू नो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, दिस इज कंडीशनल ओवर टी. सो दिस विल कम एज अ सम फंक्शन ऑफ टी. सो वी कैन डिराइव व्हाट इज दैट, वो भी किया जा सकता है, बट एक्चुअली जरूरत नहीं है ना. सो व्हाट यू डू, if I apply expectation both side, so this GT you have to find.
कि व्हाट इज दैट जी, देयर आर फोर ऑप्शंस है ना, देयर आर फोर ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ टी, वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज दैट जी टी. सो व्हाट डू यू जस्ट अप्लाई बोथ साइड एक्सपेक्टेशंस. व्हाट डू यू डू, यू अप्लाई एक्सपेक्टेशन बोथ साइड, व्हाट विल हैपन. सो इफ आई अप्लाई एक्सपेक्टेशन बोथ साइड, ओके, सो दिस क्वांटिटी विल बी व्हाट, लेफ्ट साइड को क्या लिखूं, जस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी. ओके, सो नाउ हेयर इट इज द एक्सपोनेंशियल. तो एक्सपोनेंशियल में एक थ्योरम है ना, सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल, दिस इज अ थ्योरम, ठीक है ना. हाँ, हाँ एक मिनट, तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि आईआईडी है तो है ना ईच थीटा इक्वल ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप पीडीएफ लिखते हो ना फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का सीडीएफ लिखते हो, चलो जब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का आप सीडीएफ लिखते हो तो क्या होता है, वन माइनस दिस पावर एन, तो पावर एन करेंगे, ठीक है ना. तो कई बार कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ. देखो हो क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी ईच एक्स आई मोर देन एक्स, हेयर आई विल गेट ई की पावर माइनस एक्स बाई थीटा. ओके, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन एक्स, सो मिनिमम इज मोर देन एक्स, तो ऑल विल बी मोर देन एक्स, सो दिस इज दिस, ध्यान देना दोनों अलग अलग है, यहाँ ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाया मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ सिर्फ एक्स वन लिख रहा हूँ, और दिस इज वन रैंडम वेरिएबल आउट ऑफ द सैंपल, इस पूरे की पावर हो जाएगी एन, और ये क्या है, तो e की पावर माइनस एन एक्स बाई थीटा आ जाएगी. सो दिस इज दिस प्रोबेबिलिटी. ओके, सो व्हाट आई वांट टू से, तो जैसे मैं एक्सपोनेंशियल थीटा लिख रहा हूं, तो उस नोटेशन के लिए यहां से पीडीएफ क्या आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का अगर मैं पीडीएफ लिखूं तो वन माइनस है ना, उस तरह से आएगा. एनीवे anyway, तो क्या आ जाएगा, ये तो मोर देन ये, तो क्या आएगा एन बाई थीटा. हाँ, e की पावर माइनस एन एक्स बाई थीटा, यही ना, तो ये हो गया. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट शुड आई ऐड द नोटेशन, अच्छा नोटेशन की छोड़ो, मुझे तो मीन चाहिए, इस पीडीएफ के लिए मीन क्या आएगी, थीटा बाई, तो मुझे इसी की जरूरत है. सो ये थीटा बाई एन, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी इज थीटा बाई एन. अब नोटेशन तुम्हें जो समझ आए, एन बाई थीटा लिखो, थीटा बाई एन लिखो, जो समझ आए. अगर यहां मैं इसका नोटेशन ये यूज कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं यहां भी नोटेशन ये यूज करता हूं. जब उसका मीन थीटा है ना, तो मीन लिखा है मैंने, तो अगर मीन यहां पे थीटा है, उसका मीन लिखा है, तो यहां भी मुझे मीन ही लिखना चाहिए, तो उसका मीन आएगा, तो यहां थीटा बाय एन. नोटेशन पे मत जाओ, जस्ट सी द अंडरस्टैंडिंग, नोटेशन तो वैसे हो सकता है ना. ओके, अब देख लो चार ऑप्शन में, चारों में एक्सपेक्टेशन लगा के देख लो, कौन सा एक्सपेक्टेशन थीटा अपॉन एन देगा, आंसर आ जाएगा. यहां से टी का एक्सपेक्टेशन क्या है, यही देख लो, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, इसमें टी फर्स्ट ऑप्शन ही दे रहा है. ओके, अच्छा ठीक है, तो इसमें गामा एन थीटा है ना, तो यहां मीन क्या हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है, ये डिनोमिनेटर वाला ना, तो ये जो गामा बन रहा है, इसका मीन आएगा अल्फा इंटू बीटा वाला, राइट. तो यहां से समझ लो, इस गामा का मीन कितना आएगा अकॉर्डिंग टू दैट सीडीएफ, क्या लिखो, एन थीटा, राइट. तो अब देख लो, अब सिंपली चारों ऑप्शन में एक्सपेक्टेशन लगाओ और चेक कर दो कि किसका जीटी कौन सा है जिसका मीन ये आएगा, तो वही हमारा आंसर होगा, तो ए ही आ गया, ठीक है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन. हो गया खत्म, तो आप कोई डाउट तो नहीं, हम आज के लिए इतना ही है, चलो किसी और कुछ डाउट पूछ सकते हो, बाकी हो ही गया है, ठीक है ना. तो ठीक है, मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ 7 to 9 वाला बैच, जिसमें आज क्या है, आज मैथ पोर्शन की क्लास है ना, थर्सडे. हाँ, तो अभी इंटीग्रल कैलकुलस में एरिया वॉल्यूम और वो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं. चलो तो अभी के लिए थैंक यू, 7 to 9 स्टार्ट करेंगे.